गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर नॉर्मल वाले फ्री फायर को अपडेट कैसे करें। यहाँ पर अगर तुम सभी लोग अपने नॉर्मल वाले फ्री फायर को अपडेट करने जा रहे होंगे लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि वो नॉर्मल वाले फ्री फायर को कहाँ से अपडेट करते हैं, तो आप लोगों ने इस वीडियो पर बिल्कुल सही के लिए किया है। तो प्लीज़ मेरे कहने से आज का ये वाला वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहना। इसमें मैं तुम सभी लोगों को नॉर्मल वाले फ्री फायर को अपडेट करा दूंगा, बस इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहना। एंड वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार, कर देना कर रहा हो ठीक है। एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर फ्री फायर को अपडेट करूँगा ओके। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर नॉर्मल वाले फ्री फायर को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आना, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोग रिकेंट एप्लीकेशन में तो आप लोग फ्री फायर को बिल्कुल ही हटा देना है। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को जाना होगा गूगल क्रोम पर, एंड क्रोम पर जाना, गूगल पर नहीं जाना। क्रोम पर आने के बाद आप लोग सर्च करना होगा APKPRE ठीक है। इस वाली वेबसाइट से आप सभी लोग आराम से फ्री फायर को जो यहाँ पर अपडेट कर सकती हो। फिर आप लोग नंबर फर्स्ट वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, तो सिंपल नंबर फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ऐसा सिंबल, यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ APKPRE, आप सभी लोग यहाँ पर क्लिक करना होगा ओके। एंड यहाँ पर क्लिक करना है, आप सभी लोगों को एक बार फीडबैक करना है, फिर से क्लिक करना है ठीक है। फिर आप सभी लोग सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा एंड ठीक है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड एनीवे पर क्लिक कर लेना है फटाफट से। एंड इसके बाद आप लोगों को ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करना होगा ओके, एंड ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग देखो डाउनलोड से डाउनलोड्स पर क्लिक करना होगा, एंड ये डाउनलोड होगा आप सभी लोगों का होगा धीरे धीरे करके होगा। तो गाइस मेरा यहाँ पर APKPRE जो इंस्टॉल हो चुका है, बस इस वाली फाइल पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। एंड जैसे इस वाली फाइल पर आप लोग क्लिक करते हैं तो इसके बाद आप लोग करना होगा इंस्टॉल इस वाली को ठीक है। इस वाली एप्लीकेशन का सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना होगा, एंड इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इस वाली एप्लीकेशन को सबसे पहले आप लोग ओपन करना होगा। एंड ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसके बाद इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद इसको यहाँ से कट कर देना है या तो बैक कर लेना है ये इस करके ठीक है। एंड इसके बाद सर्च करना होगा ऊपर में फ्री फायर ओके, मैं इसमें से फ्री फायर सर्च कर देता हूँ। फ्री फायर सर्च करना होगा आप सभी लोगों को सिंपली ओके। फ्री फायर सर्च करने के बाद आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, फ्री फायर पर क्लिक कर लेना है। एंड ओके फ्री फायर पर जैसे क्लिक करते हैं आप सभी लोग यहाँ से इसको ओके कर देना है। नीचे देखने को मिलेगा अपडेट, एंड अपडेट पर क्लिक करना होगा, एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक करना है। एंड जो आप सभी लोगों को फ्री फायर है वो एकदम से इंस्टॉलिंग होने लगेगा, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं लाइव एकदम ओके। एंड ये देखिए यहाँ पर फ्री फायर मेरा इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन अभी नेट में थोड़ा स्लो चल रहा था इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। आप लोगों का आराम से हो जाएगा, जैसे बताया आप सभी लोगों को वैसे ही करना है ठीक है। आगे का प्रोसेस भी बताऊँगा, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सो गाइस देखो मेरा यहाँ पर तो फ्री फायर जो है इंस्टॉल होइंग हो चुका है, यानी कि अपडेट हो चुका है, बस आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा इंस्टॉल वाले पे ठीक है। एंड दोबारा से प्रोसेस बता देता हूँ मैं तुम सभी लोगों को ठीक है। एंड सबसे पहले आप लोगों को APKPRE को ओपन करना होगा, दोबारा से प्रोसेस बता रहा हूँ मैं ठीक है। एंड इसके बाद न्यू और नोटिस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। ऊपर में देख सकते कॉर्नर पर यहाँ पर देखने मिलेगा आप लोगों को डाउनलोड वाला आइकन, एंड यहाँ पर क्लिक करना होगा। एंड इसके बाद आप सभी लोगों को क्लिक करना होगा डाउनलोड पर, एंड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। एंड आप सभी लोग सामने ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा, फिर इसको अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स को इसको ऑन कर लेना है, फिर आप लोगों को बैक कर देना है ओके। एंड इसके बाद अलाउ कर देना है इसको, इसके बाद मांगे ग्रांट, ग्रांट पर क्लिक कर लेना है। और ग्रांट पर क्लिक करने के बाद रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली इन यहाँ पर 3 सेकंड तक होगा, एंड अपना भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग कुछ नहीं करना ओके। एंड रखिए देना फोन, इंस्टॉलिंग वो भी फाइल यहाँ पर चलने लगी है, एंड ऐसे ही रहने देना है ओके। इसके बाद जो आप सभी लोग 7th एनिवर्सरी का जो यहाँ पर है आप सभी लोग डाउनलोड इंस्टॉलिंग होने लगेगा, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। एंड कुछ ही पलों में यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग APKPRE यहाँ पर होने लगा है। अभी यहाँ पर डाउन सक्सेसफुल होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बताई देता हूँ, यहाँ पर ऐप इंस्टॉलिंग हो चुका है। इसके बाद डाउन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद बैक करना है। एंड अब मैं तुम सभी लोग फ्री फायर को ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग फ्री फायर 7th एनिवर्सरी का आ चुका है। एंड टर्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, कुछ यहाँ पर आप लोग गेम मोड वगैरह होगा तो ये ओपन होगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7th एनिवर्सरी का यहाँ पर फ्री फायर ओपन हो चुका है, इसके बाद अपडेट पर क्लिक करना होगा। एंड ये अपडेट हो रहा है, एंड अपडेट होने तो इसको ओके गाइस, कुछ टेंशन नहीं है। एंड यहाँ पर 60% यहाँ पर लोडिंग बढ़ चुका है, एंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा अपना फ्री फायर, जैसे कि मैंने बताया था। तभी तो कहता है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, ऐसे ही आपसे नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी एंड वीडियो भी मिलती रहेंगी। कंफर्म पे क्लिक किया एंड पूरा का पूरा फ्री फायर यहाँ पर मेरा यहाँ पर देख सकते अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखिए बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, पहले से ज़्यादा ग्राफिक तो हो गई फ्री फायर में अब ओके। तो आज के वीडियो से इतना ही, वीडियो से आप लोगों को हेल्प होता है यानी फ्री फायर अपडेट होता है, तो इस वीडियो को लास्ट देखते रहना ओके। मेरा मतलब है कि सॉरी गाइस मेरे मौसरी का लगी थी, लेकिन आप सभी लोगों का
हेल्प होता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।